में खुलेआम हो रहा है अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार। लखीमपुर खीरी शहर में खुलेआम अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इस कारोबार में जुड़े लोग शहर से सटी कृषि योग्य जमीनों को बिना कमर्शियल परिवर्तन व उनका प्लान नक्शा पास कराए मानकों के विपरीत को अवैध कॉलोनियां बनाकर उन्हें बिक्री का कारोबार जारी है। इन प्रॉपर्टी डीलरों में किसी का भी जिला प्रशासन के पास पंजीकरण नहीं है। इस बारे में SDM अरुण कुमार सिंह से बात करने पर उन्होंने जिले में किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पंजीकरण न होने की पुष्टि की है, जबकि नई बसाई जाने वाली कॉलोनियों के मानक पर अगर नजर डाली जाए तो उस भूमि को आवासीय उपयोग हेतु भू उपयोग घोषित करने सहित संपूर्ण कॉलोनी का प्लान लेआउट नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र से स्वीकृत होने सहित उसका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होना भी जरूरी है। उल्लेखनीय है कि किसी भी आवासीय कॉलोनी में 9 मीटर 30 फीट से कम चौड़ा संपर्क मार्ग अनुमान्य नहीं है। इसके अलावा उक्त कॉलोनी का 40% भूभाग ओपन होने के अलावा जल निकासी के लिए नाला पानी के लिए ओवरहेड टैंक स्वास्थ्य केंद्र सुलभ शौचालय व पार्क अनिवार्य है, लेकिन लखीमपुर खीरी में सारे मानकों और नियम कानूनों को ताक पर रखकर लगातार अवैध कॉलोनियों को बसाने का अवैध कारोबार किया जा रहा है। जिले में जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे इस अवैध कारोबार पर अपनी जवाबदेही से बचने के लिए अधिकारी इस अवैध कारोबारियों को नोटिस दिए जाने की बात कहकर अपने कर्तव्य से इतिश्री करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि हर रोज खुले आम इन अवैध कॉलोनी पर अवैध निर्माण किया जा रहा है।